हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू? आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। मैं हरिकृष्णा आप सबका सैनिक एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज का विषय है संधि। आज हम लोग संधियों के बारे में पढ़ेंगे। उस संधि को कुछ ही समय में हल करना या पहचानने की ट्रिक सीखते हैं, वो भी बिना ट्रिक के। देखते हैं संधि। संधि तीन प्रकार के होते हैं। संधि तीन प्रकार के होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। स्वर क्या होते हैं? जैसे अ अ इ उ ए, व्यंजन क ख ग घ, विसर्ग में आते हैं अ और ङ। स्वर संधि अ अ इ ई स्वरों के मेल से बनी संधि को स्वर संधि कहते हैं, तथा व्यंजन और स्वर के मेल से बने संधि को व्यंजन संधि कहते हैं। अ अर्थात विसर्ग और स्वर अथवा व्यंजन क अ के मेल से बने संधि को विसर्ग संधि कहते हैं। स्वर संधि पांच प्रकार के होते हैं। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्ध संधि है, चौथा यण संधि, पांचवा अयात संधि। आज हम लोग इनको पहचानने की बहुत ही बेहतरीन ट्रिक सीखेंगे। देखते ही आप बता सकते हैं इसमें कौन सी संधियां हैं। जैसे पहले में दीर्घ संधि है, इसमें सेम अक्षर आते हैं अ अ इ ई उ ऊ और रि रि। दीर्घ का मतलब ही होता है बड़ा, इसलिए इसमें बड़े बड़े अक्षर आएंगे, सेम अक्षर आएंगे अ अ इ ई उ ऊ रि रि। अगर इनके तोड़ने से जो तोड़ा जाता है, अगर अ और बड़ा आ के मेल से बन रहे हैं तो उसमें दीर्घ संध होंगे। गुड़ संध के लिए आपने लड़कियों को देखा होगा, कोई एक चोटी बांधती है तो कोई दो चोटियां बांधती हैं। जो लड़की एक चोटी लगा हो, यानी कि ऐसा शब्द जिस पर एक चोटी लगा हो उसमें गुड़ संध होगा, और ऐसा शब्द जिस पर दो चोटी लगी हो उसमें वृद्ध संध होगा। यण संध के लिए या से पहले कोई अर्ध अक्षर आना चाहिए, या से पहले कोई अर्ध अक्षर अधत्व अधव व या और वा, या और वा से पहले यदि कोई अर्ध अक्षर आ रहा है तो उसमें यण संध होगा। अयात संध की पहचान के लिए जहां से शब्द टूटते हैं वहां पे या वा होते हैं, अक्सर करके इनके बीच में या और वा मिलते रहते हैं। देखते हैं हम दीर्घ संध। दीर्घ संध के कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए गए, जैसे परमार्थ। आपको इनको संध विच्छेद करने के लिए कुछ करना नहीं है, बस इसी को स्टेप वाइज पढ़ना है। जैसे प्रम अर्थ, प्रम अर्थ आराम से पढ़ोगे ये अपने आप टूट जाएंगे। जैसे परमार्थ लिखा गया तो प्लम प्रस अर्थ, प्रम अर्थ, प्रम अर्थ। प्रम में मा पर कौन सी मात्रा है? छोटा की, अर्थ पर छोटा, यानी कि इसमें क्या मिल रहा है हमको? अ अ अ अ मिला तो किस संध में जाएगा? दीर्घ संध में। दूसरा भी एग्जाम्पल है हमारे पास तथाप, इसको आपको आराम से पढ़ना है तथा यप तथा यप तथा अप, तो हो गया क्या? तथाप। तथा में बड़ा की मात्रा और अप में छोटा की मात्रा, यानी कि अ प्लस है, अ प्लस है से बना हमारा क्या? तथा प्लस अप, यानी कि तथा मिल हमको क्या रहा? आप प्लस अ। किस संध में जाता है? दीर्घ संध में, आप प्लस अ दीर्घ संध। महेंद्र, इसको आप आराम से पढ़िए, जो लिखा है महेंद्र आप इसको आराम से पढ़ेंगे तो अपने आप दो भागों में टूट जाएगा। मही प्लस इंद्र, मही प्लस इंद्र, मही ई आया तो बड़ी की मात्रा, इसमें छोटी की, इंद्र आ रहा है तो छोटी की मात्रा। ई प्लस ई किस संध में आता है? दीर्घ संध में। सबसे अच्छी ट्रिक है आपका कि इसमें एक ही वावेल आएगा, जैसे अ आ, एक ही स्वर आते हैं अ आ की ई उ उ और री री। जब
जब भी आप इनको तोड़ेंगे तो आपको आ इ ई उ या री री में टूटेगा, अर्थात यहाँ जो स्वर आएगा वो आ होगा या ई होगा या उ होगा या री री रहेगा। ये वर्ड आपको मिल रहे हैं तो दीर्घसंध होगा। अगला हमारा गुड़संध। गुड़संध पहचानने के लिए हमें एक चोटी वाली लड़की को ढूंढना है, अर्थात जिसके स्वर पर एक चोटी लगा हो तथा वाक्य को आराम से पढ़ने पर वहीं से टूटे। जैसे लिखा है सुभेच सुभेच, टूट कहाँ से रहा है? सुबह से, तो सुबह पर एक चोटी लगा हुआ है, अर्थात ये कौन सा संध है? गुड़संध। सुबह पर एक चोटी लगा हुआ तो ये गुड़संध हो गया। महोत्सव, आपको देखना है टूट कहाँ से रहा है, इसको आराम से बोलिए महोत्सव, महो उत्सव, महो उत्सव, महो से टूट रहा है और इस पर चोटी की संख्या कितनी है? एक, तो कौन सी संध होगी? गुड़संध होगी। अगला एग्जाम्पल है हमारे पास देवेंद्र। देवेंद्र, आप देखिए कहाँ से टूट रहा है? देवेंद्र, वह से टूट रहा है और वहां पर मात्रा कितने लगा है? एक, एक चोटी की मात्रा लगी है अर्थात गुड़संध होगा। इसी प्रकार गंगोर्मी, रमेश, चंद्रोदय, सब में एक एक चोटी ही लगा है, अर्थात ये सब कौन से संधि है? गुड़संध है। अगला हमारा वृद्ध संध। वृद्ध संध में हमको दो चोटी वाली लड़की को ढूंढना है, अर्थात जिसपे दो मात्रा लगा हुआ है। इस प्रकार से जैसे यहाँ खींचा गया, यहाँ खींचा गया, दो दो चोटियां, एक लड़की के ऊपर दो चोटी लगी हो, और यह भी ध्यान देना है आपका वहीं से टूटना चाहिए। टूटने के लिए आप इसको आराम से दो बार बोलोगे, आपको पता ही चल जाएगा कहाँ से टूट रहा है। जैसे लिखा है अकैक, तो इसको आप आराम से बोलोगे कहाँ से टूट रहा है? अकैक, पहले एक बोल रहे हो फिर एक बोल रहे हो, एक एक, एक एक, एक से टूट रहा है और एक पर कितने की मात्रा है? दो चोटी लगा है। दो चोटी वाले हमारे जाते हैं वृद्ध संध में। तथ्यव, तथ्यव, हा से टूट रहा है, यहाँ पे कितनी चोटियां हैं? दो चोटियां, दो चोटी वाले सभी आपके आएंगे वृद्ध संध में। सदैव, दो चोटी है वृद्ध संध। इसी प्रकार से परमौषध, जितने पर भी दो दो चोटियां हैं सब आपके जाते हैं वृद्ध संध में। नेक्स्ट चलते हैं अगली तरफ यण संध। इसमें या और वा से पहले कोई अर्ध अक्षर होता है, अर्थात जो आपका शब्द रहेगा उसमें या अथवा वा से पहले कोई अर्ध अक्षर लिखा हुआ आपको मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल है प्रयत्न, आप देख रहे हैं इसमें या है, यहाँ पर भी या है और इसके पहले एक अर्ध अक्षर है। आपको यह भी ध्यान देना होगा कहाँ से अक्षर टूटता है, टूटने के लिए आपको इसको आराम से दो बार पढ़ना है। प्रत्यत्न, प्रत्यय, 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 या से पहले अदत अक्षर है तो इसमें कौन सा संधि होगा? यण संधि। यहाँ देखिए अत्यधिक, अत्यधिक, अत्य यही से टूट रहा है और इससे पहले क्या है? एक अर्ध अक्षर त है। ये त ही आपको पहचान कराएगा यण संधि। यदि आपको अर्ध अक्षर मिल जाए या और वा से पहले तो आप निसंकोच यण संध लगा दीजिएगा। यहाँ पे आप देखेंगे देवोज, या से पहले अर्ध व, या से पहले आधा व है तो यह भी यण संध हुआ। स्वागत, वा से पहले अर्ध है, यण संध हुआ। देवासर, या से पहले अर्ध अक्षर है, यह भी आपका यण संध होता है। हमारा लास्ट संध है अयात संध। आखिरी संध हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्वर संध की, अयात संध। इसमें हमें क्या करना रहता है, जहाँ से शब्द टूटेगा अर्थात जब हम उसको तोड़ते हैं दो बार आराम से बोलने पे, जहाँ से टूटता है खंडित होता है वहाँ पे या वा, जिसे अर्ध स्वर भी कहा जाता है, आपको या और वा जहाँ से टूटेगा वहाँ पे मिलेगा। या तो इस पर छोटी की मात्रा भी लग सकती है, छोटाओ भी हो सकता है, लेकिन लगेगा मात्रा तो इन्हीं पर होगा और यहीं से टूटना भी चाहिए। देखिए जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है नयन, आप इसको बोलेंगे तो कहाँ से टूटेगा? न यन, न यन, तो या से टूट रहा है और बीच में हमारा क्या मिल रहा है? या। जहाँ से भी टूटेगा आपको या अथवा वा अर्थ स्वर मिलेंगे, इस पर कोई मात्रा भी लगा हो सकता है। दूसरा है श्रवण, श्रवण, आपको वा मिल रहा है
जो अर्थ स्वर की पहचान करा रहा है, और ये कौन सी संध हो रही है हमारा, अयात मैन में भी है अयात स्वर। भवन 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 वा से टूट रहा है तो यहाँ पे होगा हमारा अयात संध। इसी प्रकार से गायक पवित्र, जैसे कि बात किया था इस पर छोटी की मात्रा या छोटा ओ की मात्रा आ सकता है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है पवित्र, पवित्र में छोटी की मात्रा है। मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। यदि आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।